हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत डिलीशियस रेसिपी जिसका नाम है मशरूम दो प्याज़ा। ये बहुत ही हाई डिमांडिंग डिश होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। लेकिन मशरूम्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसमें डस्ट और डर्ट बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाती है और जल्दी ही फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं रेसिपी के साथ साथ आपको मशरूम क्लीनिंग टेक्निक्स बताऊँगी और इसको अगर आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहें तो उसको कैसे करें ये भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता ही है आपने क्या करना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो मेरी वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आज बहुत छोटे छोटे ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि मशरूम की आइटम बनाने के लिए मस्ट हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 150 टू 160 ग्राम्स मशरूम। अब इसके तीन तरीके बताऊंगी आपको क्लीन करने के। अगर मशरूम फ्रेश हैं और साफ़ ही हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो इसको हम पानी में डिप करेंगे और ऐसे करके साफ़ कर देंगे। ये देखिए कैसे साफ़ हो रहा है, ये अच्छे से रब कर रहे हैं और देखो कैसे साफ़ हो गए हैं मशरूम, क्योंकि ये मशरूम ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो दूसरा तरीका ये है, अगर मशरूम थोड़े ज़्यादा गंदे हों, ज़्यादा डर्ट आ गई हो मशरूम में, तो उसमें मैदा छिड़कें और सूखे कोई हाथों से रब कर लें। ध्यान रखें मशरूम गीला नहीं करना है, सूखा सूखा मैदा ही रब कर लें। उसके बाद हम वॉश करेंगे मशरूम को। ये देखिए कैसे इसकी परत निकल रही है। ये सारे होटल टेक्निक्स हैं, होटल्स में ऐसे ही क्लीनिंग की जाती है मशरूम्स की। ये देखिए कितना साफ हो गया मशरूम। अब जब ये क्लीन हो गया है, अब इसको हम वॉश कर लेंगे। अगर मशरूम बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है तो इसको हम नाइफ के साथ पील कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि अंदर से मशरूम ख़राब नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का हल्का डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ आ गई हैं मशरूम में। ये देखिए कितना साफ निकल के आया है। अंदर से जो ख़राब होते हैं उनका पता लग जाता है, वो यूज़ ही नहीं करने चाहिए। इसको भी पानी में डिप करूँगी। ये देखिए कितने डेलिकेट हैं, हल्के से मैंने ज़ोर से हाथ लगाया तो टूट गया, तो बहुत डेलिकेटली इसको करना है। तो अब मशरूम वॉश हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं मशरूम्स। अब मैं इसको काट लूँगी, तो इतना लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको काट लेंगे, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं काटना है, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मशरूम में। छोटे हैं तो दो हिस्से में काट लें, अगर बड़े हैं तो चार। तो ये मशरूम्स कट के रेडी हैं। अगर तो अभी कुकिंग करनी है तो इसको डायरेक्ट भी सॉटे करके यूज़ कर सकते हो या इसको ब्लांच करके कुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल किचन है तो ज़रूरी नहीं है जिस दिन आपके मशरूम आए हैं उसी दिन ही ऑर्डर आ जाए, तो इसीलिए आपको मशरूम्स प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको ब्लांचिंग प्रोसेस दिखाने जा रही हूँ जिसको आप करके मशरूम को 5-6 दिन के लिए रख सकते हो स्टोर करके फ्रिज में। तो ब्लांचिंग के लिए पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अब मैं डाल दूँगी इसमें मशरूम्स। ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि आपने वेट नहीं करनी, जब मशरूम ख़राब होने वाले होंगे तभी हम ब्लांच करेंगे, आपको फ्रेश ही मशरूम ब्लांच कर लेने होंगे अगर आपने मशरूम्स को ज़्यादा देर प्रिजर्व करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको 1 मिनट ही ब्लांच करना है, इससे ज़्यादा ना करें। तो अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। और फटाफट कोल्ड वाटर में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम इसको ऐसे ही क्लिंच रैप करके स्टोर कर सकते हैं या हम बेटर रिजल्ट्स के लिए इसको ब्राइनिंग प्रोसेस में लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हम डालेंगे पिंच सॉल्ट,
थोड़ी सी चीनी और 2 चम्मच विनेगर। इसको भी क्लिंच रैप करके स्टोर कर देंगे। तो अगर आप 5-6 दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं तो हर एक दिन बाद पानी चेंज करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम 2 प्याज़ा बनाना। उसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये है कलौंजी, जिसको अनियन सीड्स भी बोलते हैं। ये है जीरा, नमक, चीनी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, बटर, क्रीम, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, चॉप्ड हरी मिर्च, 150-160 ग्राम्स मशरूम, डाइस्ड कट अनियंस, जिंजर जुलियंस, धनिया, 100 ग्राम मैंने लिया है चॉप मसाला, 90 ग्राम मखनी ग्रेवी और 90 ग्राम वाइट ग्रेवी। सबसे पहले मैं करूंगी गैस को ऑन, थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। अब डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी, थोड़ा सॉटे करेंगे इनको। फिर डालूंगी 1 चम्मच चॉप्ड गार्लिक, वन फोर टीस्पून चॉप्ड जिंजर, 1-2 ग्रीन चिलीज, 1/2 टीस्पून डाइस्ड अनियन, थोड़ा सा सॉटे करेंगे। एक लार्ज अनियन या 2 स्मॉल अनियंस ले लीजिएगा डाइस कट के लिए। थोड़ा कलर के लिए मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको सॉटे करेंगे। अब थोड़े से अनियंस हम गार्निश के लिए निकाल के रख देंगे साइड में। अब ऐड करूंगी मशरूम, जब मशरूम डालेंगे हम तब हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और कसूरी मेथी। जब भी हम मशरूम की कोई सब्जी बनाएं तो मशरूम को कसूरी मेथी और बटर के साथ सॉटे कर लें पहले, क्योंकि मशरूम में एक उमामी फ्लेवर होता है। जब वो बटर के साथ सॉटे होता है तो एनहेंस होता है वो फ्लेवर। तो इसको तेज़ आग पे सॉटे करेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है मशरूम को बटर के साथ, इससे डिश का टेस्ट नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। मशरूम सॉटे हो गए हैं, अब इसको बाउल में निकाल देंगे। अब डालूंगी चॉप मसाला, अब डालूंगी वाइट ग्रेवी, थोड़ी सी फिर से डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर जीरा पाउडर, इसको थोड़ा पका लेंगे। अब डालूंगी मखनी ग्रेवी, अब सारी ग्रेवीज को मसालों के साथ पका लेंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी मशरूम का मिक्सचर, मशरूम और प्याज का, क्योंकि सारा फ्लेवर तो इसी में ही है। अब इसको सबको पकाएंगे। थोड़ा सा डाल दूंगी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग।
1/4 टीस्पून डालूंगी गरम मसाला, थोड़ी सी डालूंगी और कसूरी मेथी, थोड़ा सा डालूंगी बटर, 1 टेबलस्पून क्रीम, फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा हरा धनिया, अब ये हमारा मशरूम दो प्याज़ा बनके रेडी है। अब इसको करूँगी बाउल में ट्रांसफ़र। अब जो प्याज हमने निकाल लिए थे थोड़े से, उससे हम करेंगे गार्निश। थोड़ा सा डालेंगे धनिया, जिंजर जूमिंस और थोड़ा सा बटर। और ये हमारा मशरूम दो प्याज़ा सर्विंग के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा मशरूम दो प्याज़ा तैयार। तो आगे भी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी मशरूम की, जैसे मशरूम मटर, मशरूम मसाला वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, शरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। बाय बाय।